हे गाइस, तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं वोल्टास इन्वर्टर एसी के E6 एरर कोड के बारे में। E6 एरर कोड क्यों आता है, किस वजह से आता है, क्या प्रॉब्लम होती है और इसे कैसे सॉल्व करें जानेंगे इस वीडियो में। तो गाइस, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी छोटी सी एक रिक्वेस्ट है, अगर आप लोगों ने अभी तक ट्रस्टवर्टी होम सर्विसेज चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ट्रस्टवर्टी होम सर्विसेज चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड बेल आइकन को प्रेस करके रोज़ की न्यू वीडियो देखते रहें। तो आपका ज़्यादा टाइम ना लेते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइज, हम बात कर रहे थे वोल्टास इन्वर्टर एसी के E6 एरर कोड के बारे में, ये क्यों आता है। तो गाइज, अगर आप एयर कंडीशनर ऑन करते हैं और ऑन करने के बाद E6 एरर कोड डिस्प्ले पर शो हो रहा है तो आपको सबसे पहले चेक करना है कि जो इंडोर से आउटडोर कम्युनिकेशन वायर जो है वो ठीक से जुड़ा है या नहीं, या फिर वायर लूज है, या ऐसा भी हो सकता है कि वायर शॉर्ट हो गई हो, तो इसलिए भी E6 एरर कोड आता है। और हाँ गाइस, अगर आपने ये सब कुछ भी करके देख लिया फिर भी E6 एरर कोड आ रहा है तो आपको इंडोर की PCB चेक करनी होगी और आउटडोर की PCB भी चेक करनी होगी। आपको ये दोनों PCB चेक करनी होगी, कहीं PCB कार्ड तो ख़राब नहीं हो गया है। तो एक बार PCB चेक करने से पहले आपको PCB के जैकों पर भी ध्यान देना होगा, ये भी बहुत ज़रूरी है। हो सकता है PCB के कार्ड में, जैक में कोई प्रॉब्लम हो, ठीक है, तार लूज हो या फिर कहीं थिम्बल निकला हो, आउटडोर में एक ट्रांसफार्मर होता है, हो सकता है उसके जैक निकली हो, तो भी E6 एरर कोड देखने को मिलता है। तो गाइज, ये सब कुछ भी आपको पहले ही चेक कर लेना है, उसके बाद आप PCB कार्ड चेक करें। तो मैं आपको ये भी बता देता हूँ PCB कार्ड आप कैसे चेक करेंगे, ये भी आप इसमें सुन लीजिए। अगर आपको PCB कार्ड चेक करना है तो आपको क्लैंप मीटर निकालना होगा, क्लैंप मीटर में आपको वोल्टेज पर लगाना होगा। तो आपको पहले वोल्टेज चेक करने होंगे, एसी वोल्टेज यानी कि अल्टरनेटिंग करंट, एसी वोल्टेज आप चेक करेंगे तो चेक करेंगे 220 वोल्टेज आने ही चाहिए, 220 से 230 आने ही चाहिए वोल्टेज। उसके बाद फिर आपको डीसी वोल्टेज भी चेक करने होंगे, डीसी वोल्टेज चेक करेंगे तो आपको क्लैंप मीटर को डीसी पर सेट करना होगा, उसके बाद आपको वोल्टेज चेक करने होंगे। डीसी वोल्टेज चेक करेंगे तो उसमें 20 से ऊपर वोल्टेज आने चाहिए, जैसे 20 से ऊपर ही आने चाहिए, 22, 24 या 26, 26 से ज़्यादा नहीं आएंगे, इतने वोल्टेज आने ही चाहिए। अगर 20 से कम वोल्टेज आ रहे हैं तो गाइस PCB कार्ड में ही प्रॉब्लम है, PCB कार्ड ही ख़राब हो सकता है। और गाइस हाँ, अगर 20 से ऊपर वोल्टेज आ रहे हैं बट कभी 26 हो रहे हैं, कभी 22 हो रहे हैं, कभी 24 हो रहे हैं, मतलब कम बढ़ होते रह रहे हैं, अप डाउन हो रहे हैं, तो भी PCB कार्ड में प्रॉब्लम है, फिर भी PCB कार्ड ख़राब हो सकता है। तो गाइज, आई होप सो, उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें एंड कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो गाइज, चलते हैं, फिर मिलते हैं एक और ऐसी ही वीडियो के साथ।